हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो जो इम्पोर्टेंट्स हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के रेस्पेक्ट में, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था मॉड्यूल 1 फॉर कंपाइलेशन ऑफ एडिटोरियल्स, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे लाइफ मिंट का हो या फिर अन्य बहुत सारे न्यूज़पेपर का। तो इस बार हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं जो सिक्वेंशल इवेंट्स हुए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसको 2 मॉड्यूल में हम लोग प्रेजेंट करेंगे। ये पहला मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 1। देखिए दोस्तों, कि यदि आप 2016 या फिर 15 के बाद उठा के देखते हैं, 15, 16, 17, 18, 19, तो उसमें से आपको कम से कम 3 या 4 क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जो आफ्टर इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है। कोई भी इवेंट्स, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन का इवेंट्स हो, चाहे कोई भी इवेंट्स हो। ठीक है दोस्तों, तो पहले समझते हैं, एक सिक्वेंसल समझते हैं कि देखिए, 1885 में INC का गठन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था। 1905 में क्या हुआ, फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया। उसके बाद आगे 1950 में गांधी जी आ गए, फिर उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया, फिर उन्होंने नॉन क्विट इंडिया मूवमेंट किया। उसके बाद फिर हम लोग को फाइनली जाके आज़ादी मिली 1947 में। और 1947 के बाद जो जो इवेंट्स हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ योर प्रीलिम्स 2020। ठीक है माई फ्रेंड्स, तो देखते हैं इसमें हम लोग कि जो क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स हैं आफ्टर 1947। तो ये बताया गया है कि 1947 और 1948 में पहला कश्मीर वार हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, ओवर जम्मू एंड कश्मीर। और 1948 में देखे उसके बाद इवेंट्स, तो पहली बार इंडिया फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है, उसका गठन हुआ। और उसका नाम क्या था दोस्तों, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और देखिए, ये बैंक नहीं है, क्योंकि उस समय आज़ादी के बाद बैंक का स्थिति ऐसा नहीं था कि वो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर लोन में, यानी कि क्रेडिट वो दे सके। तो इसलिए इस ध्यान को रखते हुए, यानी कि इस बात को ध्यान में रखते हुए, पहली बार भारत में इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम पे फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाया गया, ताकि जो भी क्रेडिट है, ठीक है, किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यहाँ से वो आ सके, यानी कि यहाँ से वो मिल सके। नंबर 1 स्टेप्स इन 1948। दूसरा क्या था इवेंट्स, कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जो कि मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट है, वो उसका गठन हुआ। जानते हैं दामोदर कहाँ पे है, ये वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का ये सरो भी कहा जाता है, दामोदर इज कॉल्ड अफन कॉल्ड एज सरो ऑफ बंगाल, क्योंकि बाढ़ वगैरह आ जाता है सिचुएशन। तो पहली बार दामोदर वैली कॉरपोरेशन, यानी कि पहला मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट भारत में बनाया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके माय फ्रेंड्स, देखते हैं थर्ड 1, 1949। 1949 में क्या हुआ दोस्तों, 1941 में नेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन हो गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI 1935 में गठन हुई थी अंडर एक्ट ऑफ RBI एक्ट 1935। और उसके बाद उसको नेशनलाइज, यानी नेशनलाइजेशन मतलब क्या होता है, कि गवर्नमेंट के अंडर आ जाना, गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाना। तो 1949 में गवर्नमेंट के कंट्रोल में आया था ये, ठीक है माय फ्रेंड्स। उसके बाद देखते हैं हम लोग 1950 इवेंट्स। 1950 में क्या हुआ था, राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि 1950 में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ भारत में, तो उसके बाद ही ये प्रेसिडेंट का भी कॉन्सेप्ट आया। उससे पहले जानते हैं कि जो माउंटबेटन थे वही गवर्नर जनरल एज अ वाइस रॉय वो काम कर रहे थे। मैं 1950 के बाद क्या हुआ कि पहली बार भारत में प्रेसिडेंट आया, और पहले प्रेसिडेंट कौन है, राजेंद्र प्रसाद, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट है। और इंडिया में आज़ादी के बाद मात्र एक यही प्रेसिडेंट है कि जो 2 टर्म्स तक रहे हैं, यानी कि 2 टर्म्स, यानी कि 5 + 5, 10 ईयर्स तक इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला। उसके बाद 1950 में एक और इवेंट्स होता है जिसमें प्लानिंग कमीशन का गठन होता है दोस्तों। प्लानिंग कमीशन का यदि प्रिसाइज डेट देखा जाए तो 26 जनवरी 1950 को यह गठन किया गया था, ठीक है, यानी कि संविधान लागू होने से एक दिन पहले ही बनाया गया था। और प्लानिंग कमीशन क्या है माय फ्रेंड्स, प्लानिंग कमीशन एग्जीक्यूटिव बॉडी है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने आप इसको क्रिएट कर सकती है। ये स्टैचुटरी बॉडी नहीं है, यानी कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से क्रिएट होने वाला बॉडी नहीं है, ये क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो जैसे ही 2014 में BJP गवर्नमेंट लेड बाय मोदी जी वो आए सत्ता में, तो प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप कर दिया गया, और 2015 में प्लानिंग कमीशन के बदले में नीति आयोग को लाया गया, ठीक है माय फ्रेंड्स। और 1950 में और भी बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, जैसे कि 1950s में एक रोड बनाया गया, चाइना ने रोड बनाया, जो कि टिबेट रीजन को जिनजियांग प्रोविंस जानते हैं, पाकिस्तान का, चाइना का वो प्रोविंस है जहाँ पे उइगर मुस्लिम्स बहुत सारे रहते हैं यहाँ पे। और ये जो रोड बनाया गया है टिबेट से लेके जिनजियांग, ये किसके थ्रू पास हो रहा था माय फ्रेंड्स, अक्साई चीन।
और अक्साई चीन क्या है, लद्दाख का एक रीजन है, तो इसलिए एक तरह से टेंशन क्रिएट हो गया, कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के बीच में। ओके माय फ्रेंड्स, और 1950 हो गया। अब 1951 में देखते हैं कि 1951 में क्या इवेंट्स हुए। तो देखिए 1951 बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स इसलिए है माना जाएगा क्योंकि पहली बार इंडिया में फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट पहली बार आया था, ठीक है। और आप जानते हो कि यदि 5 ईयर प्लान का बात किया है तो ये सक्सेसफुली 12th टर्म्स तक हुआ है, और उसके बाद जैसे ही मोदी जी सरकार में आए तो ये 5th 5 ईयर प्लान को ख़त्म कर दिया गया। ओके माय फ्रेंड्स, 1951 में और भी बहुत सारे दूसरे इवेंट्स हुए, जैसे कि पहली बार IIT खड़गपुर का गठन हुआ है, यानी कि कोई भी IIT पहली बार हुआ था और वो किस नाम से था, खड़गपुर के नाम से था। और तीसरा जो इवेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार भारत में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था संविधान में, यानी कि फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में। और इस अमेंडमेंट में क्या हुआ था माय फ्रेंड्स, इसमें स्टेट्स को अफर्मेटिव एक्शन देने के लिए, यानी कि आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, इसलिए आपको खुला छूट है, आपको थोड़ा पावर दे रहे हैं। और पहली बार जो फंडामेंटल राइट्स है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया, उसको कटल डाउन किया, उसको घटाया गया। ओके माय फ्रेंड्स, तो 1951 में क्या है इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि पहली बार 5 ईयर प्लान का कमेंस्ड हुआ, यानी कि स्टार्ट हुआ। दूसरा क्या कि पहली बार IIT इनाग्रेटेड हुआ खड़गपुर में। और थर्ड नंबर क्या कि पहला अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके अंतर्गत स्टेट्स कोई भी अफर्मेटिव एक्शंस को ले सकते हैं और साथ साथ वो फंडामेंटल राइट्स को कटल कर सकते हैं, यानी उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 1951 का इवेंट्स। 1951 से 1952 ये पहली बार जनरल इलेक्शन हुआ था आज़ादी के बाद। अक्टूबर 15 1951 से स्टार्ट हुआ और फरवरी 20 21 1952 में इसका जाकर ख़त्म हुआ। और इसमें जो परिणाम आए हैं वो बहुत ही सुखद परिणाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए, क्योंकि आउट ऑफ 489 सीट्स कांग्रेस ने 364 सीट्स हासिल किए थे। और इसमें नो पार्टी कुड गेट अपोजिशन लीडर स्टेटस, यानी कि दूसरे पार्टी को अपोजिशन लीडर स्टेटस मिला ही नहीं था। दोस्तों मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि लोकसभा 1, लोकसभा 2 और लोकसभा 3, ये तीनों लोकसभा में किसी भी अपोजिशन, कोई भी सिंगल बिगेस्ट अपोजिशन पार्टी था ही नहीं इंडियन लोकसभा में, ठीक है माय फ्रेंड्स। वो मात्र वो आपका 1967 के टाइम में स्वतंत्र पार्टी बन के आता है, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही टूट के बनता है, तो उसका भी देखेंगे हम लोग थोड़ी देर में। ओके माय फ्रेंड्स, और जो उस समय जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी था, यानी कि अपोजिशन पार्टी नहीं बोल रहा हूँ, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी था जो लोकसभा में, वो था कम्युनिस्ट पार्टी। ओके फ्रेंड्स, तो 1952 में देखते हैं, 1952 में क्या है, राज्यसभा का गठन हुआ। और 1953 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एयर इंडिया, देखते करंट अफेयर्स में बहुत एयर इंडिया का बात चलता है, इसके बारे में बहुत कुछ बताया जाता है। तो पहली बार इंडियन एयर इंडिया को नेशनलाइज किया गया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर इसको लाया गया। और एयर इंडिया का यदि थोड़ा हिस्ट्री देखा जाए तो ये 1932 में गठन किए थे टाटा सन्स ने इसको, एज अ नेम, नाम क्या था, टाटा एयरलाइंस। ओके माय फ्रेंड्स, और 1954 में, 1951-4 का मैं कुछ इवेंट्स आपको बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1954 में क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू चाइना विजिट किए और उन्होंने मान लिया कि ठीक है टिबेट आपका रीजन है, जाइए हमको डिस्प्यूट नहीं करना है। और जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद बोले कि हिंदी हिंदी चीनी भाई भाई, यानी कि एक मोहब्बत का, हारमोनी का एक मैसेज था दोनों कंट्री के लिए। उसके बाद पंसिल, पंसिल का गठन हुआ, फॉर्मुलेट किया गया, जो कि बाद में एक आइडियोलॉजिकल स्टैंडर्ड की तरह काम किया इंटरनेशनल इंटरेक्शन के लिए, यानी कि एज अ सॉफ्ट पावर ये काम किया है पंसिल का जो अग्रीमेंट था। और जितने भी ये रेजुलेशंस, जितने भी ये इसमें आइडियोलॉजी था, यानी कि पंसिल से रिलेटेड जितने भी चीज कॉन्टेंट्स थे, ये इनफैक्ट इंटरनेशनल एजेंसी ने भी इस चीज़ को यूज़ किया था, ठीक है, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली में भी इसका यूज़ हुआ था। अब देखते हैं माय फ्रेंड्स, 1955 में क्या हुआ था। 1955 बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ SBI। SBI को नेशनलाइज किया गया, और मगर जो इसके एसोसिएट्स थे, इसके बहुत सारे एसोसिएट्स बैंक भी थे, इसको नेशनलाइज उस समय नहीं किया गया, इसको 1959 में किया गया, जो कि मैं बाद में बताऊंगा आपको। और देखिए जब SBI को जब नेशनलाइज किया गया था 1955 में, तो उस समय RBI ने क्या किया कि 60% इसका स्टेक ले लिया, यानी कि 60% इसका जो स्टेक था, शेयर था, उसने अपने हाथ में ले लिया। मगर फिर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को ख़त्म करने के लिए वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि जो
60% आरबीआई ने लिया था वो अपने अंडर ले लिया, यानी कि एज आरबीआई अपने हिसाब से काम करे, और एसबीआई क्या हुआ, नेशनलाइज हो गया, यानी कि वो पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर चला आया। और दूसरे जो इवेंट्स हुए हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जो कि आईसीआईसीआई, यानी कि अभी जो आईसीआईसी वो बैंक है, वो उससे कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये अलग चीज़ है और वो अलग चीज़ है, ठीक है माय फ्रेंड्स। ये क्या है आईसीआईसीआई, क्या है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको फॉर्म्ड किया गया। ये किस लिए, ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान के लिए किया गया था, और किसके इनिशिएटिव से किया गया, वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये 1955 में हुआ माई फ्रेंड्स। और 1955 में और भी एक बहुत बड़ा इवेंट्स हुआ, जो कुछ जिसको कहते हैं पैंडोंग डिक्लेरेशन। बैंडोंग डिक्लेरेशन जो है उसमें पंसिल को इनकॉर्पोरेट किया गया, 10 प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड कॉपरेशन, यानी कि इंटरनेशनल पीस एंड कॉपरेशंस में भी ये पंसिल का जो भी कंटेंट्स था उसको डाला गया। और बैंडोंग कॉन्फ्रेंस में लगभग 29 अफ्रो एशियन स्टेट्स शामिल हुए थे, और ये एक तरह से बेंचमार्क बना माय फ्रेंड्स। और बाद में जाके ये जितने भी कॉन्सेप्ट थे, कंटेंट्स थे, ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाने में बहुत ही सहयोग महसूस हुआ, और उसके बाद ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बना है बाद में, जो कि हम लोग करने वाले हैं, थोड़ी देर में पढ़ेंगे इसके बारे में। 1956 में माई फ्रेंड्स, 1956 बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या हुआ था कि पहली बार भारत में एटॉमिक रिएक्टर अप्सरा को डिज़ाइन किया गया था बाय बार्क। बार्क क्या है दोस्तों, बार्क एक्चुअल में पहला नाम था इसका AEET। AET क्या है दोस्तों, एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, जो कि बाबा के गुजरने के बाद, जहांगीर बाबा 1966 में गुजर गए, उसके बाद इसका बार्क नाम पड़ा। बार्क क्या एक इंस्टीट्यूशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जिसने क्या किया, पहली बार एटॉमिक रिएक्टर बनाया है। उसके बाद 1956 में दूसरा जो बहुत बड़ा इवेंट्स हुआ था वो क्या था, नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ LIC, जो कि LIC आप देख रहे हो 1920 में करंट अफेयर्स में बहुत चल रहा है। तो LIC का यदि हिस्ट्री देखा जाए तो 1956 में इसका गठन हुआ था, और ये क्या हुआ कि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को नेशनलाइज कर लिया गया है, यानी कि पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में ये चीज़ आ गया। देखिए 1957, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1957, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहली बार कोई कम्युनिस्ट स्टेट इंडिया में आया है, यानी कि डेमोक्रेटिकली प्रोसेस से वो वहाँ पे जीता है, और वो कौन था, ये आपका केरल गवर्नमेंट, यानी कि केरला में पहली बार फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है कंट्री में, और अभी तक आप जानते हो कि केरल में क्या है, कम्युनिस्टी है। तो 1957 हो गया, और 1959 जानते हैं कि 1959 में क्या हुआ, 1959 में पहली बार फर्स्ट टाइम टेलीविज़न इंट्रोड्यूस्ड हुआ दिल्ली में, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि 1955 में क्या हुआ था दोस्तों, 1955 में SBI नेशनलाइज हुआ था, मगर इसके जो एसोसिएट्स थे वो क्या हुए, 1959 में नेशनलाइज किया गया था। तो यहीं पर यहाँ पर बताया गया है कि गवर्नमेंट पास SBI सब्सिडरी बैंक्स एक्ट, जिसके अंतर्गत जो 8 बैंक्स थे किसके, SBI के, उसको भी नेशनलाइज किया गया, और जितने भी प्रिंसली स्टेट्स में इसके जो सब्सिडरीज होंगे SBI का, वो टोटल क्या हो गए, कंट्रोल में आ जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। और 1959 में ही दलाई लामा इंडिया में आए शरण लेने के लिए, जिसके वजह से क्या हुआ, इंडिया और चाइना के बीच में तनाव हो गया, और पहली बार माय फ्रेंड्स इमरजेंसी का पावर यूज़ किया गया था किसी भी स्टेट गवर्नमेंट्स को गिराने के लिए। तो पहली बार फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट जो केरल का था, जो कि आप जानते हो कि 1957 में बना था, यानी कि अंडर विद इन द 2 ईयर्स इस सरकार को गिरा दिया गया, कम्युनिस्ट सरकार को गिरा दिया गया केरल में, ठीक है। और उस समय कौन थे PM, तो PM थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद देखते हैं 1961 में, तो हम उस समय भी बात किए थे पंसिल का, तो पंसिल एक तरह से क्या था कि आगे का रास्ता था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के लिए। तो 1961 में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का गठन हो जाता है बेलग्रेड, जो कि उस समय का यूगोस्लाविया का पार्ट था, और इसमें जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुकार्नो और नजीर साहब इजिप्ट के, जो कि बहुत प्रोमिनेंट लीडर्स थे, और इनके गठन से क्या हुआ कि जो उस समय 1948 के बाद, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि 1945 के बाद क्या हुआ कि दो ब्लॉक पावरफुल हो गए, एक USA और एक USSR। तो क्या कंट्री सब अलाइन कर रहे थे, आइदर इस साइड जा रहे थे या फिर उस साइड जा रहे थे, मगर बहुत सारे कंट्री थे जो कि न्यूली इंडिपेंडेंट थे, वो नहीं चाहते थे ना इधर जाए ना उधर जाए, यानी कि ना US में जाए ना USSR में जाए। तो ये सब कंट्री जो ऐसा विचारधारा रखते थे, तो वो सब कंट्रीज मिलकर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को बनाए हैं, ओके माई फ्रेंड्स।
1962 देखते हैं। 1962 में क्या हुआ कि आप जान रहे हो कि टेंशन हो रहा था, तो इसलिए पहली बार साइनो इंडियन वार हुआ, पहला साइनो इंडियन वार हुआ, यानी कि चाइना इंडियन वार हुआ है, वही टिबेट के वजह से, टिबेट के कन्फ्लिक्ट के वजह से। और ये वार के वजह से पहली बार भारत में नेशनल इमरजेंसी लगाया गया है, और 1962 से ये 1968 तक चला, यानी कि बहुत लंबा पीरियड नेशनल इमरजेंसी चला है। अब देखते हैं 1963। 1963 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भारत में पहली बार इस्टाब्लिश हुआ था थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इनिशियली ये आरबीआई के अंडर था, मगर बाद में फिर इसको हटा दिया गया 2003 में। तो जो आप टीवी पे देखते हो एडवर्टीजमेंट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, म्यूचुअल फंड अभी तो किसके अंडर है जी, अभी सेबी के अंडर है। तो जो आप टीवी पे एडवर्टीजमेंट पे देखते हो, इसका इतिहास 1963 से जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखते हैं 1964। 1964 में क्या हुआ दोस्तों, जो आईडीबीआई बैंक आज देखते हैं, वो पहले बैंक नहीं था, वो पहले था डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, यानी कि वो क्रेडिट देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन देने के लिए था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च करने के लिए बनाया गया था। वो अलग बात है कि सक्सेस नहीं हुआ, उसको बाद में फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक घोषित कर दिया गया। तो देखिए 1964 में आईडीबीआई इस्टाब्लिश हुआ था एक्ट के थ्रू, यानी कि पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू, एज अ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जो कि आरबीआई का एक सब्सिडरी था। बाद में उसको फिर आईडीबीआई बैंक बना दिया गया। उसके बाद देखते हैं कि रिसेंट इवेंट क्या है कि एलआईसी ने 51% इसका ओनरशिप ले लिया, और अभी का स्थिति है कि वो प्राइवेट सेक्टर बैंक स्टेटस है उसके पास, ठीक है। अब देखते हैं 1965। 1965 में क्या हुआ दोस्तों, सेकेंड इंडिया पाकिस्तान वार हो गया जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। अब उसके बाद इंडिया पाकिस्तान मुंह के बल गिरा है, इंडिया जीता है इस वार में। 1966 में, 1966 में क्या हुआ, ताक्सिन डिक्लेरेशन हुआ। क्योंकि ताक्सिन डिक्लेरेशन इसलिए था कि जो इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ है, तो दोनों कंट्री अब अग्रीमेंट करेंगे, इसमें पीस अग्रीमेंट करेंगे, ठीक है। और इसी अग्रीमेंट के दौरान ही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, उनका निधन हुआ था बहुत ही कंट्रोवर्शियल ढंग से। 1967 देखिए, 1967 बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक टर्म्स से एज वेल एज योर एग्रीकल्चर के टर्म से। क्यों? क्योंकि 1967 में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और ये 1978 तक चला है, और इसके वजह से क्या हुआ, व्हीट और राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कंट्री में बढ़ा है दोस्तों। देखिए क्या, उस समय अन्न का बहुत कमी था, इसलिए माल न्यूट्रिशन बहुत दिक्कत था कंट्री में, और इसलिए उस समय जो स्वामीनाथन थे इंडिया के, जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है, उन्होंने, उनका बहुत बड़ा योगदान है ग्रीन रेवोल्यूशन में, ठीक है माय फ्रेंड्स। दूसरे इवेंट्स देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसमें क्या था कि आप समझिए बात को, कि 1967 से पहले लोकसभा और विधानसभा, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा का जो चुनाव, वो साथ साथ ही चलता था, यानी कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है और साथ साथ स्टेट इलेक्शन भी हो रहे हैं। मगर 1967 के बाद ये साइकिल डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है। ये साइकिल इसलिए डिस्टर्ब हुआ क्योंकि उसके बाद इमरजेंसी वगैरह लगा है, उसके बाद सरकार गिरा फिर बना, फिर गिरा फिर बना, इस तरह चला है, ठीक है। और 1967 में पहली बार लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी मिला है दोस्तों, और उस पार्टी का नाम क्या था, स्वतंत्र पार्टी, ठीक है। क्योंकि पहले अभी देखा जाए तो सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी उस समय कम्युनिस्ट था, ठीक है, लोकसभा, पहली लोकसभा में भी, मगर जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी वो पहली बार 1967 में बन के आया है, डेट इज़ कॉल्ड योर स्वतंत्र पार्टी, ठीक है। और देखिए पहला लोकसभा, दूसरा लोकसभा, तीसरा लोकसभा, ये तीनों लोकसभा में कोई लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी नहीं था, लार्जेस्ट पार्टी था। देखिए लार्जेस्ट पार्टी होना अलग चीज़ है और लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होना अलग चीज़ है, ठीक है। तो लार्जेस्ट पार्टी कौन सा था दोस्तों, मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन सा था, वो कम्युनिस्ट था। मगर पहली बार लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है क्या, स्वतंत्र पार्टी, वो कि कांग्रेस से ही कट के बना था, ओके माय फ्रेंड्स। 1967 का इवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था कि कब पहली बार लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी बना है, इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मिलाने के लिए आया था दोस्तों। इसलिए मैंने कहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल यूपीएससी में यहाँ से दो या तीन सवाल पूछे ही जाते हैं, ठीक है, तो ढंग से पढ़ना है दोस्तों। 1969 में, 1969 बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसरो का गठन हुआ है अंडर द लीडरशिप ऑफ विक्रम सारा भाई, ठीक है। और इसमें एक इवेंट्स और इंपॉर्टेंट कि 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों लीड बैंक स्कीम, जो कि 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था माय फ्रेंड्स कि लीड बैंक स्कीम क्या चीज़ है, उसमें बहुत सारे दो ऑप्शंस भी थे, दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट थे। उसमें कहा गया था कि क्या ये इंदिरा गांधी के सरकार के अंडर था, बिल्कुल इंदिरा गांधी के ही टाइम का था ये। और साथ साथ ये लीड बैंक स्कीम क्या कि डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक होंगे जो दूसरे बैंक को लीड करेंगे, और इस तरह क्रेडिट फ्लो होगा, यानी कि लोन दिया जाएगा, ओके माय फ्रेंड्स। और 1969 में एक और इवेंट्स हुआ था कि पहली बार भारत में लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन का स्टेटस मिला था, और वो
कौन थे? तो वो राम सुभाष सिंह थे, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही टूट के बने थे, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस से टूट के दो ग्रुप बने थे, ठीक है? आईएनसी स्प्लिट हुआ, एक आईएनसी आर बना और एक आईएनसी ओ बना है, ठीक है? और ये आईएनसी ओ के मेंबर थे। 1971, देखिए 1971 में जानते हैं कि बांग्लादेश का लिबरेशन हो गया, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गया। और 1972, देखिए 1972 में क्या हुआ दोस्तों, कि जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है, यानी कि जीआईसी का फॉर्म हुआ है, और वो नेशनलाइज हो गया, यानी कि गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर लिया, और इसके भी चार सब्सिडीज बने थे, वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आ गए। और जैसे कि 1971 में वार हुआ, इंडो पाकिस्तान का वार, उसके बाद 1972 में शिमला अग्रीमेंट हुआ, यही बार बार अग्रीमेंट बताया जाता है। और ये अग्रीमेंट के हिसाब से क्या आता कि लाइन ऑफ कंट्रोल दोनों ही कंट्री को उसका सम्मान करना होगा, लाइन ऑफ कंट्रोल। 1974 में क्या हुआ कि स्माइलिंग बुद्धा को, ठीक है, यानी कि फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था पोखरान में, और उसके बाद भारत वर्ल्ड का सिक्स्थ न्यूक्लियर पावर बना है। देखिए दोस्तों, जो स्माइलिंग बुद्धा था वो फ्यूजन के बेस पे था, यानी कि फ्यूजन, जानते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूजन भी होता है, तो ये फ्यूजन था, ठीक है दोस्तों? और ये समझने वाली बात है कि वर्ल्ड में इंडिया बना है सिक्स्थ न्यूक्लियर पावर, मगर अभी फ्यूज़न नहीं किया था इंडिया ने, अभी फ्यूज़न ही किया था। और फ्यूज़न का यदि बात किया जाए तो वो 1998 में हुआ है, अटल बिहारी के सरकार में। ओके माय फ्रेंड्स, 1975 देखते हैं। 1975 में क्या कि इंडिया का पहली बार पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया गया है। उसके बाद जो सेकेंड इवेंट से रीजनल रूरल बैंक्स लॉन्च किए गए हैं उस समय, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, एमरजेंसी को इम्पोस्ट किया गया था अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 352 क्लॉज 1। और क्या भला क्या बताया गया था, इंटरनल डिस्टरबेंस, जो कि बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है। क्यों? क्योंकि इंटरनल डिस्टरबेंस के आर में उसके बेसिस पे बहुत गलत तरीके से एमरजेंसी लगाया गया था। और उसके बाद क्या हुआ कि इसका परिणाम इतना बुरा हुआ कि 1977 में इंदिरा गांधी जी का सरकार आईएनसी हार गई। और उसके बाद पहली बार भारत में फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है, जिसका नाम है जनता अलायंस, यानी कि जो कांग्रेस से अलग अलग थे, छोटे छोटे दल सब मिल के आए हैं, जनता अलायंस बनाए हैं, उसके बाद वो जीते हैं। जैसे ही ये गठन पावर में आए हैं 1977, उसके बाद एमरजेंसी को हटा दिया गया है। और एमरजेंसी को जब हटाया गया तो फिर 1978 में क्या हुआ कि 44th अमेंडमेंट हुआ था, और जिसके अंतर्गत नेशनल एमरजेंसी से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स को बदला गया है। और जो ये जो इंटरनल डिस्टरबेंस था, इसको हटा के आर्म्ड रेबेलियन बना दिया गया है, आर्म्ड रेबेलियन वर्ड यूज़ किया गया है। उसके बाद देखेंगे 1979, 1979 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। पहली बार एक्सपेरिमेंटल लॉन्च था SLV-3 का। और 1980 में सिक्स बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था दोस्तों। तो दूसरे मॉड्यूल में हम लोग देखेंगे कि 1980 से लेके 2019 तक का, ठीक है, इवेंट्स क्या क्या हुए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के कॉन्टेक्स्ट में। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।